हल्द्वानी की अब बात करेंगे, जहां पर शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन और नगर निगम पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने रोडवेज बस स्टेशन से मंगल पड़ाव तक 65 दुकान और भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही शासन ने प्रभावित हो रहे लोगों को अपनी बात रखने का समय दिया है। मामले में मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको देखते हुए मुख्य सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा और इसी के मद्देनजर रास्ते में आ रही दुकान और भवनों को तोड़ा जाएगा। भाई उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि मंगल पड़ाव से लेकर के हल्द्वानी का जो बस स्टेशन है उसके मध्य रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन किया कराया जा रहा है और जो नोटिस इनको दिए गए हैं राजकीय संपत्तियों को भी और प्राइवेट संपत्तियों को भी, उनकी भी सुनवाई करने के लिए चार डिपार्टमेंटों के राजस्व विभाग, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी, इनके चार अधिकारियों की संयुक्त टीम इनका निस्तारण करेगी। जो भी दावे आपत्तियाँ आएंगी उनको सुनने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और इस बीच जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, सरकारी संपत्तियाँ हैं, ओपन स्पेसेस हैं, वहाँ पर लगातार कार्य चल रहा है।